कल हम बात के लिए जाएंगे, बात जगह का नाम है। ओह माय गॉड, ये इतनी प्रिटी प्लेस लग रही है मुझे ऑलरेडी। दिस इज द सिटी सेंटर। ए यार इडियट, हम मिनिमलिस्टिक, वेरी प्रिटी गाइस। द सनसेट इज अनबिलीवेबल। आई मीन इतना ज्यादा ओशन तो ये दिख नहीं रहा है, पर इतना प्रिटी दिख रहा है, इतना प्रिटी। ओह माय गॉड, एंड दिस इज आवर हॉस्टल। यहाँ से ऊपर जा रहे हैं और जस्ट लुक एट दिस, अनबिलीवेबली ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर है। और अभी हम ऐसे ऊपर जा रहे हैं, काफी बड़ा स्लोप है यार और ऐसा बहुत सुंदर लग रहा है, पूरा झाड़िया। और यहाँ हम बात की वादियों में आ गए। ये हमारा सनसेट, और ये देखो यूके के झाड़ कैसे रहते हैं, देख लो यूके के झाड़ कैसे रहते हैं। एंड दिस इज आवर स्टे फॉर द नाइट। बहुत क्यूट ये YHA हॉस्टल है बात का। एंड कैन यू सी द लाइट, ये सनसेट हो रहा है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे से बेंचेस है बैठने को, एंड ये हॉस्टल है। अंदर जाते हैं, अभी चेक इन करते हैं। मेरा फोन बाय द वे पूरा मरने वाला है। हाय गाइस, मैं रूम में पहुंच गई हूँ, पर मैं बहुत ही घटिया दिख रही हूँ अभी, तो फिर मैं मेरा शक्ल नहीं दिखा सकती, पर मैं तुमको रूम टूर दे रही हूँ, लेट्स गो। तो ऐसे रूम में घुसने का इधर है टॉयलेट, कोई गया है वहाँ पे? ये इसके पीछे कोई भी नहीं है, ये मैं हूँ। और यहाँ पे चार बेड्स हैं, बंग बेड्स, वेरी क्यूट। देखो कोई नहीं है इसके पीछे, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस एंड इंटरफियरेंस। और ऐसा बाहर से बहुत सुंदर सा व्यू है, देखो सनसेट अभी भी दिख रहा है, वैसे मैं देखो नहीं दिखा रही हूँ। फिर ऐसा बाहर का व्यू है, ये कारपेट है, इधर फायरप्लेस जैसा कुछ है, डाल सकते हैं इसमें शायद, पर नहीं शायद, पता नहीं। मस्त है। दिस इज इट, दिस इज द रूम डोर, हो गया अबे, हो गया है बाय। और एक हाय गाइस, दिस इज माय लुक फॉर द नाइट। ये पेट दिख रहा है, दिस इज माय लुक फॉर द नाइट। और अभी हम कुछ नहीं करने वाले, यहाँ पे रेस्टोरेंट है हमारे हॉस्टल में, वहीं पे जाके डिनर करेंगे। और तो कुछ प्लान नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी सब कुछ बंद हो जाता है, तो हम बहुत लेट हो गए। तो अभी हम कुछ, मेरे को पास में पेट भर देखा तो सब बंद हो गया, तो अभी हम इधर ही ये कर रहे हैं। तो क्या रेडी टू गो नो वेयर कैप्शन है मेरा, तो दैट्स इट, गुड नाइट बाय। हाय गाइस, तो अभी हम चले जा रहे हैं अंधेरे रास्तों पे, रतलाम की गलियों से। देखो अभी मैं तुम्हारी वजह से गिरने वाली थी, बट मैं अभी चलते ही नहीं, ब्लॉक करती हूँ। तो अभी यहाँ पे पूरा अंधेरा है, एज यू कैन सी। तो पूरे अंधेरे में हम बेंच पे बैठने जा रहे हैं, पता नहीं किसका आइडिया था ये और हम क्यों कर रहे हैं, बट किसकी आवाज है, ये आ रही है, यहाँ पे भूत होंगे। तो हम जा रहे हैं अभी, मैं नहीं कर सकती यहाँ पे अंधेरे में, मेरे को बहुत डर लग रहा है, बाय। ऊपर स्टार्ट से भेजेंगे सबको स्नैप, हाँ लिखा है, वीडियो भेजूंगी। Hi guys, it's the next day and it's my birthday today. दिख रहा है क्या ये मेरा टियारा, सो हैप्पी बर्थडे लिखा है। और
दिस इज माई आउटफिट. और अभी हम लोग अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं. ब्रेकफास्ट मतलब हमने कप नूडल्स लिए थे 2 दिन पहले, तो फिर वो हमने खाए नहीं. तो अभी फ़िलहाल इधर कुछ है नहीं इतना ब्रेकफास्ट का. जहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा बाहर है, तो अभी हम कप नूडल्स खा रहे हैं. और फिर हमारा सिटी का टूर है, फ्री टूर, तो फिर हम बोलिंग में जा रहे हैं इसके बाद. लेट्स गो. हाय गाइस, तो अभी हम निकल चुके हैं एंड क्या कहते हैं, अभी हम वैसे यहाँ पे बैग्स रखने वाले थे पर इन्होंने हमको मना कर दिया. तो हम हमारे साथ बैग्स लेकर चल रहे हैं, स्टोरेज में रखना पड़ेगा. तो पर बैग उधर 5 पाउंड है, तो पर कुछ नहीं कर सकते, अभी उधर रख देंगे. और रास्ते में बहुत ब्यूटीफुल रास्ता है, तो हम वहाँ से चलते हुए जा रहे हैं. ये आवाज़ बहुत इरिटेटिंग है, पर अभी कुछ कर नहीं सकते. तो हाँ, मैं बोल रही थी कि कल मुझे इतनी मेजर बीटी मिली है. कल मैं मेरे बर्थडे पे रोई हूँ रात को ढसा ढसा, क्योंकि ये जो हॉस्टल है, अभी हॉस्टल का मतलब हमको ये लगा था कि यहाँ पे इसका नाम, क्योंकि यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ये नाम है उसका, यूथ, पर यहाँ पे सब बुढ़े लोग थे, लिटरली सब फैमिली और बुढ़े लोग. तो हम लोग हमारे डिनर वगैरह करके हम रूम में बैठते, सब लोग मतलब हम रूम में बैठते हैं, सब लोग साथ में, तो थोड़ा सा आवाज़ तो आता ही है. तो हम लिटरली 15 मिनट्स बाद एक आंटी आई, रात के 11 बजे थे आंटी आई, और उन्होंने हमको बोला कि कैन यू प्लीज कीप इट डाउन, देयर फैमिलीज हियर. तो फिर हमको ऐसा था कि यार हम कितना धीरे बात करेंगे, हमको लिटरली हम गाने नहीं बजा पा रहे थे, हम कुछ बात भी नहीं कर पा रहे थे, हंस भी नहीं पा रहे थे. तो फिर मेरे को बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हुआ ये चीज़ कि यार कि ऐसे कैसे मैं मेरा 25th बर्थडे में एंटर करूँगी इतना सैड नोट पे. फिर मेरे को बहुत रोना आया. फिर मेरे बेचारे फ्रेंड्स, उन्होंने थोड़ा सा मुझे संभाला. और फिर हम बाहर गए थे, बाहर मतलब जहाँ पे बेंचेस थे वहाँ पे. और हाँ, मैं मेरा बर्थडे कटिंग वाला जो वीडियो मैंने डाला है उसमें भी मैं रो रही हूँ. तो पर उसके बाद बहुत फन था. हम लोग उधर ही बैठते थे, हमने चालू है क्या वीडियो, हाँ उधर ही हमने गाने वगैरह लगाए और बात वगैरह उधर ही कर रहे थे फिर हम. और फिर लेट नाइट हम सो गए तट से. पर बहुत अच्छा था मेरा बर्थडे. और ये मेरा आउटफिट है, और ये मैं दिन भर पहन के चलने वाली हूँ, सैश और टियारा. द स्ट्रगल जा बॉयज फर्स्ट, कूली नंबर वन. गाइस, द व्यू इज अमेजिंग. यू आर नॉट रेडी फॉर दिस. पता चला वीडियो में बहुत सड़ा दिखा नहीं, पर बहुत अच्छा दिख रहा है. अभी हम यहाँ पे पता नहीं क्या करेंगे, पर बहुत प्रिटी है. एक सेकेंड. वाह, बादल देख रहे हो तुम, और वो सिटी है. This is the city. ये थोड़ा क्लोजर व्यू, ऐसे पीछे नाला टाइप है ना, इतने छोटे से लेक में ये लोग क्या ही बोटिंग कर रहे हैं. पता नहीं, बोटिंग नहीं मतलब उनका जो भी है वो, इसको जो भी बोलते हैं. पर पानी तो बहुत गंदा है, तो यू डिडंट मिस एनीथिंग. ये वही नाला कंटिन्यूड. कोई ठंडा डेजर्ट करना ही पड़ता क्या. गाइस, दिस इज बाथ अबी कैथेड्रल है यहाँ का, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है. इसको पता है पर ये बता नहीं रहा. ये वॉल्स पे एंजल्स बनी है जो हेवन की तरफ जा रही है सीढ़ी चढ़कर. ओह, ये वाली. हां, बट देयर वी डोंट शो द एंड. दोनों साइड पे है तो नाइस. सो एज आई टोल्ड यू, ये एबी है
और इसके बारे में जितना मेरे फ्रेंड ने बताया मैं उतना ही तुमको इन्फॉर्मेशन दे सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत महंगा टूर है और हम नहीं जा रहे हैं अंदर। और ये इधर ये रोमन बाथ्स है, उसके बारे में तुम यूट्यूब पे देख लो या फिर गूगल पे देख लो, क्योंकि हम तो नहीं जा रहे वहाँ पर। एंट्री £25 ने की, ₹2500 एक घटिया ग्रीन तालाब को देखने के लिए मैं नहीं दे सकती। तो ये वीडियो से तुमको कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। आई रियलाइज कि मैं लास्ट क्लिप में बहुत ही भयानक दिख रही थी, भयानक, तो इसलिए ये मेरा रिडम्पशन है, रिडम्पशन, तो इसलिए कॉम्पेंसेट कर रही हूँ मैं। ये बहुत घटिया है, बहुत ज़्यादा धूप है, पर मैं चश्मा ला के ब्लॉक करूँगी तो फिर मैं थोड़ी अंधी दिख रही हूँ पीछे से, और भैंस तो मैं नहीं कर रही हूँ। बोल अभी, मैं नहीं बोल रहा, बोलना यार प्लीज। मैं कौन, देखो यहाँ ब्रेकफास्ट करा रहा था, पैनकेक। किसने डकार मारा अभी? मैंने नहीं मारा भाई, मेरा हो गया बस, वो ऋषि सोने मारा ना मेरे पे ही सब डाले। ये जो है साली लंस, जो भी अपेरेंटली वो 1860 का है और वर्ल्ड वॉर में, अबे यार मोहक एक बार का वो बताओ जाना यार, मेरे को नहीं पता उसका। ये सालीलन है, दिस इज एन ईटिंग हाउस फ्रॉम 1680। वो हमको भी हम पढ़ पा रहे हैं, वो द ब्रिटिश सोल्जर्स यूज्ड टू ईट। ब्रिटिश सोल्जर्स कब? इन 1680। अबे तू वर्ल्ड वॉर वगैरह कुछ बोल रहा था ना, अबे वो सब नहीं मालूम ना मेरे को, ये गलत खबर काहे को दे रही ब्लॉगर्स को, ये कौन से सेंचुरी थे एनाबेल का भाई, ये भी ऑफर ऊपर मुझे अभी थोड़े से फैक्ट्स पता चले हैं, सो मैंने सोचा कि बकचोदी बहुत हो गया, मैं थोड़ा सा तुमको ये सिटी के बारे में बताती हूँ। सो ये पूरी सिटी इज़ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, सो नॉट जस्ट वन spot in the city or one place in the city, but the whole city is a world heritage site. और यहाँ की जितनी भी buildings हैं they are constructed using the bath stone, और जो भी नई buildings भी बनती है तो bath stone से ही बनती है, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। तो यहाँ की हर एक बिल्डिंग इसी स्टोन से बनी है। हाँ, और यहाँ पे नेचुरली, अरे मैं बता रही ना, नेचुरली हॉट वाटर यहाँ पे आता रहता है, जनरेट होता है हॉट वाटर स्प्रिंग्स। हाँ, और उसका टेम्परेचर होता है 43 degrees Celsius, और उसमें नेचुरल मिनरल्स है, 43 नेचुरल मिनरल्स है उसमें। तो वो गर्म पानी जो रोमन बाथ्स मैंने दिखाया था जहाँ पे मैं नहीं गई थी, तो उसके अंदर जो ग्रीन तालाब है तो वो किंग्स वगैरह वहाँ पे दे यूज टू बेथ, एंड उधर तो पब्लिक के लिए नहीं है क्योंकि दैट वाटर इज़ नॉट ट्रीटेड। तो बट यहाँ पे थर्मे स्पा करके है, वेल आई वॉज सपोज टू गो टूडे और येस्टरडे, बट नहीं हो पाया, तो अभी मैं नेक्स्ट टाइम उसके लिए आने वाली थी। तो वो स्पा में वो नेचुरली नेचुरल हॉट वाटर स्प्रिंग्स का पानी रहता है, एंड यू कैन टेक द स्पा फॉर अराउंड 2 hours। तो मतलब जैसे नॉर्मल पूल होता है तो गर्म पानी का पूल है, उसमें जाकर तुम बैठ रहे हो, तो वो है, दैट इज़ फॉर £38, बट आई थिंक दैट्स वर्थ इट। तो फिर मैं उसके लिए स्पेशली कुछ टाइम बाद आने वाली, और मेरे पास स्विम सूट भी नहीं था, तो और एक ये रीज़न था कि मैं नहीं जा पाई वहाँ पर। नेक्स्ट टाइम ऑल्सो कैन यू सी दिस अगली क्रीचर ऑन माई फेस, ऑफकोर्स उसको आज ही आना था, मेरा बर्थडे के दिन, गंदा सा। सो दिस इज द स्पा थिंग दैट आई वॉज टॉकिंग अबाउट, थर्मे स्पा यहाँ पे होता है वो, तो यू कैन बुक योर स्लॉट और यू कैन जस्ट वॉक इन, और वो तुम बढ़िया स्पा ले सकते हो। बताना मुझे अगर उसने लिया है तो यहाँ पे कि हाउ वाज इट एक्सपीरियंस, इज इट वर्थ इट।
देख रहे हो पूरे हर एक साइड की हर एक बिल्डिंग सेम टाइप ऑफ स्टोन से बना है. और हाँ, बात इज सराउंडेड बाय माउंटेन्स ऑन ऑल साइड्स. तो ऐसा कुछ है कि ये स्टोन वो माउंटेन्स से लेके आते हैं, कहाँ से ये नहीं पता, माउंटेन्स से निकालते हैं कि माउंटेन्स से ट्रैवल करके आते हैं, ये मुझे नहीं पता, वो तुम गूगल करो. वेरी क्यूट. टूर गाइड हमारा बहुत ज्यादा फ्लॉप है, हमको एक खाने की जगह नहीं लेके जा पा रहा. वो नहीं आया. ये है वो शख्स भाई. जब और टूर गाइड के लिए पैसे खर्चना करने हो ना तो फ्लॉप ही मिलता है. फ्री टूर भी था, हम में से कुछ लोग गए हैं वहाँ पे, पर हमको नहीं जाना था. पैसे बचाने फ्री टूर में क्या पैसे बचाओ यार. सोच के कि कुछ खाएंगे, अच्छा बैठते हैं, चिल करते हैं, और खाने की एक जगह नहीं है, और कुछ मतलब जगह बहुत सारी है, बट मेन्यू बहुत घटिया है भाई. कौन खाएगा सैंडविचेस? दे ऑर्डर्ड कॉलीफ्लावर विंग्स और ये से दिख रहे हैं, लुक्स में तो बहुत अच्छे नहीं लग रहे. थैंक यू वेटर. हाँ थैंक यू सो मच. सो अपडेट, अभी हम निकल चुके हैं और वी आर रनिंग वेरी लेट क्योंकि हमारी 15 मिनट्स में ट्रेन है. हमने हमारा पूरा लगेज एक स्टोरेज यूनिट में, वो 12 मिनट्स है, हमने वाला पूरा लगेज एक स्टोरेज फैसिलिटी में रखा हुआ था और हमको वो लगेज लेने के लिए भी भागना है और उधर से फिर स्टेशन जाना है. स्टेशन लिटरली बाजू में ही है, बट फिर भी प्लेटफॉर्म वगैरह पे जाने में टाइम लगता है. और अभी हमने थोड़ा सा खाया, थाई स्ट्रीट नूडल्स खाए, बहुत मस्त थे वो, कल के बेटर थे. पर बट यहाँ बाय बात, आई विल बी बैक सून क्योंकि मैंने टूर भी नहीं करा ना, मैंने स्पा करा, पता नहीं मैंने क्या किया यहाँ पे आके. बट इट वॉज़ अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. बहुत ब्यूटीफुल सिटी है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू कम बैक वेरी वेरी सून. मेरा स्पा क्योंकि पेंडिंग है, मेरे को उसमें इंटरेस्ट है गाइस, और मेरे को किसी में इंटरेस्ट नहीं है. मेरे को बस स्कूल में जाके भैंस जैसे लेटना है. हाँ पहुँच गए, चलो आई सी यू इन बर्मिंघम, बाय. देखो कितना प्रिटी, कितना क्यूट ट्रेन स्टेशन है, एंड लुक एट द स्काई, द स्काई लुक्स अमेजिंग. हाय गाइस, सो हो रहा है, हाय गाइस, सो आई एम बैक इन बर्मिंघम. हो रहा है ना रिकॉर्ड, क्योंकि इसके पहले मैंने ऑलमोस्ट 4 मिनट बात की और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था. तो आई एम बैक इन बर्मिंघम और बहुत अच्छा लग रहा है. इट्स अ वेरी गुड फीलिंग व्हेन यू कम होम आफ्टर, इट्स नॉट बीन वेरी लॉन्ग, बट थोड़े टाइम से अगर तुम बाहर जाओ और एकदम घर आओ तो इतना अच्छा लगता है, ऐसा अच्छा लग रहा है. और हम आए तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी यार यहाँ पे, तो फिर मैंने शर्ट शर्ट पहन लिया, थैंकफुली था. और आई थिंक दिस इज इट, यही है द एंड ऑफ माई बर्थडे ट्रिप. इट इज़ 8:15 इन द नाइट और अभी घर जाके मैं कुछ को भी डिलीवर क्या ऑर्डर कर लूँगी फूड, क्योंकि मेरे को बनाने का मन नहीं है और बहुत ज़्यादा मेरे को सैड लगेगा कि अगर मैं मेरे बर्थडे में खाना बना दूँ. अरे थोड़ा वियर्ड था बिकॉज आई कुडन्ट मीट माई फैमिली और सब लोगों को भी बहुत मिस कर रही थी मैं. बट या बाबरे हाथ दुख रहा है तो गोल्डन आवर अच्छा आ रहा था ना ये लाइट मुँह पे. दिस वॉज इट, दिस वॉज माई बर्थडे ट्रिप. सो आई होप यू एंजॉय द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियो गिव दिस वीडियो अ लाइक, शेयर विद द फैमिली, शेयर विद द फ्रेंड्स, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. बाय.